तो मोदी जी का वीडियो आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि मित्रों मैं गोलगप्पे वाले के पास गया। मैंने कहा गोलगप्पे वाले भाई साहब 5 रुपए के गोलगप्पे खिला दो। उसने कहा मोदी जी 4 आएंगे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 रुपए के 4 ही गोलगप्पे आने चाहिए क्या? क्या 5 रुपए के 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? और मित्रों मेरे उस आश्वासन के बाद मेरी सरकार बनी, मैंने लोकसभा में बिल लेकर गया, लेकिन विपक्ष की पार्टी ने उसे खारिज कर दिया। मित्रों मैंने गाना सुना, बीड़ी बिगन नौकड़ पे बैठ तेरा किया रे। मैं जरा आपसे पूछना चाहता, मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता, और मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बीड़ी पीने के बाद में आपने बीड़ी कचरा पात्र में डाली कि नहीं डाली? बहुत बढ़िया भाई। मित्रों उस व्यक्ति ने कहा नहीं डाली। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, मैं उस व्यक्ति से जवाब चाहता हूं, क्या बीड़ी कचरा पात्र में नहीं डालनी थी क्या? क्या नहीं डालनी थी क्या? मैं आपसे जवाब चाहता हूं। मित्रों मैंने एक ही गाना नहीं सुना, मैंने और भी गाने सुने। मैंने सुना तेरी गलियां मुझको भाए तेरी गलियां। मुझे लगा कि उस लड़की से पूछना चाहिए कि उस लड़के को तेरी गलियां क्यों भा रही है। उसने कहा मेरी गली में स्वच्छता है। एक पुराना गाना था, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। मुझे लगा कि उस वक्त, मेरी बात सुनिए, जरा बात पे ध्यान दीजिएगा, उस वक्त अगर चेहरे से नजर हट जाती तो क्या ये नजारे दिखाते क्या? क्या ये नजारे दिखाते क्या? मैं जरा आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों मित्रों, स्वच्छता रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राहुल गांधी जी भी आ गए। देखिए ये सूट फूट वाले हैं, ये गोलगप्पे सस्ते करने की बात करते हैं, ये आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन ये लोकसभा में बिल लेकर के नहीं आए। अगर लेकर के आते तो मैं खुद गोलगप्पे खाने जाता हूं, मैं उन्हें तो सस्ता कर ही देता। तो दोस्तों हर आदमी का एक अलग स्टाइल होता है, बाबा रामदेव का अलग स्टाइल है। बाबा रामदेव जी से कुछ भी पूछ लो सबसे पहले हंसेंगे वो। अब उनसे मीडिया वाले ने पूछा, बाबा जी आपने खाना खाया? खा लिया भैया, खा लिया। बोले बाबा जी नहा लिए, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं नहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों।